आज मेरा बर्थडे है। आप लोग अच्छे हो। दरअसल आज मेरा बर्थडे है, मैं नहा के अभी आई। बर्थडे के दिन क्या करना चाहिए? केक काटना चाहिए, पार्टी है ना, लेकिन मम्मी कहती है कि भगवान के घर जाना चाहिए, भगवान के पास आरती देना चाहिए, प्रेयर विशेष करना चाहिए। तो आज हम वही करने वाले हैं जो मैंने कभी भी नहीं किया। दिन दिन जब हम बड़े हो रहे हैं तो पता चल रहा है कि या मम्मी की जो बात थी उसकी वैल्यू ज़्यादा है। मैं हैदराबाद में ही हूँ, मैं हैदराबाद का रहती हूँ यहाँ पे पिछले 8-9 महीनों से। देखते हैं हम कहाँ जा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सुंदर सुंदर मंदिर हैं और आज रामनवमी के दूसरा दिन है, मतलब नवरात्रि खत्म हो गया। चलिए देखते हैं हमारे साथ आगे चलते हैं। ओके सो हम अब पूरा तैयार हो चुके हैं जाने के लिए मंदिर। बहुत ही ज़्यादा धूप है तो हम निकल चुके हैं अपने सफ़र पे। ऑटो में बैठे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे उबर में अगर आप टैक्सी लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चार्ज करता है, तो उबर इज़ अफोर्डेबल। आज हम जा रहे हैं हिंदू टेम्पल, जहाँ पे हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति है। मैंने ऑनलाइन देखा था, मैं आज पहली बार देखूँ। यहाँ पे कम्युनिकेशन की थोड़ा इश्यूज़ होती हैं लोगों को, मतलब लैंग्वेजेस में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। आप सुनेंगे तो पता चलेगा। प्रसाद लेने के लिए है मिठाई, भगवान को मिठाई लेना, मिश्री मिश्री होता है, मिश्री दिखाई कितना हुआ भाई? 90 रुपीज़ होना चाहिए। तो बहुत मुश्किल से मुझे पता चला कि वो 40 रुपीज़ का चीज़ें था, मुझे लगा कि 90 रुपीज़, बिकॉज उन्होंने 40 बोला था। आंटी की दुकान में हमें मिठाई नहीं मिला तो भगवान के लिए हमने फल खरीदा। मंदिर बंद था, पुजारी जी थे, लेकिन पूजा नहीं हो रहा था उस टाइम पे, क्योंकि सुबह होता है और शाम को होता है। हम लोग का टाइमिंग गलत था, लेकिन हमने उनके पास अपनी पूजा की चीज़ें सौंप दिया। अभी हम देखेंगे हमारी बड़ी सी मूर्ति जिसके देखने के लिए हम यहाँ आए हैं। दिस इज़ द वन। हम अब थोड़ा जूम करेंगे तो अच्छे से दिखाई देगा। वाओ कितना बड़ा है। यहाँ पे आके इतना अच्छा लग रहा है। स्टैचू इज़ रियली वेरी मच बिग, बहुत ही बड़ा है। थोड़ी देर रुके, हम वहाँ से निकल चुके हैं और उस मंदिर को हिंदू टेम्पल के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता की पूजा होती है। और जहाँ पे राम रहते हैं वहीं पे हनुमान जी भी रहते हैं। उसके बाद हमने मेट्रो लिया है। मेट्रो इज़ द ईजीएस्ट मीन्स ऑफ ट्रैवल, अगर आप इधर आते हैं तो अच्छी चीज़ वही है। उसके बाद हमने सीधा नींबू पानी लिया बिकॉज इट वॉज रियली हॉट, और ये नींबू पानी हेल्दी भी था क्योंकि इसमें चिया सीड था। ओके सो हम अब आए हैं शिल्पारमन बोल के एक जगह में घूमने, और यहाँ पे कुछ ऐसा प्लेसेस है यू विल फील लाइक विलेजेस, काम, नेचुरल सीनरीज एंड कल्चरल थिंग्स है बोल के सुना है। हम घूमेंगे देखेंगे। तो दोस्तों इस जगह में इंडिया की कई शहरों से लोग आके यहाँ पे चीज़ें सेल करते हैं, अपना डिफरेंट कल्चर्स की चीज़ें पोर्ट्रे होती हैं और छोटे छोटे हट्स बना हुआ होता है जो कि आपको विलेज वाला फील देगा। दिस इज स्पेशली मेड फॉर विलेज। पहले गाँव में कैसे रहते थे लोग, वो देखने के लिए। तो हट्स दिखाई दिया हमें छोटे छोटे, बहुत सुंदर था, बहुत ही सुंदर था एक्चुअली में। लेकिन अगर यहाँ पे बारिश हो जाता तो बहुत अच्छा लगता, क्योंकि पूरा ड्राई हो गया था वेदर गर्मी की वजह से। और वहाँ पे ऐसे भी है लाइक खरगोश, चिड़िया और भगवान श्री कृष्णा, बुद्धा, सबका मतलब स्टेचू बना हुआ है। स्टोरीज है, आगे देखेंगे तो पता चलेगा। तो दोस्तों आपने सुना ही होगा कि भगवान श्री कृष्णा बचपन में गोपियों की कपड़े चुराते थे उनके स्नान करने के समय पे, वही चीज़ यहाँ पे पोर्ट्रे किया हुआ है। बहुत ही सुंदर से पोर्ट्रे किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों यही था मेरा बर्थडे का पूरा दिन, मैंने ऐसे ही बिताया। और इस जगह का नाम है शिल्पारमन। आप यहाँ जा सकते हैं अगर कुछ नेचुरल हवा लेना हो तो। और मंदिर के लिए आपको हिंदू टेम्पल सर्च करेंगे तो आप मिल जाएगा। यू शुड विजिट। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय।